गुजरात दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कल देर रात जमकर बवाल हुआ। बात थाने तक पहुंच गई। हुआ यूं कि फिल्म की स्क्रीनिंग से ठीक पहले कैंपस की बिजली गुल हो गई और जब छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे तो किसी ने पत्थर फेंक दिया। इससे गुस्साए छात्रों ने वसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनयू छात्र संघ आज जेएनयू प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विरोध की आवाज से कर आधी रात की तस्वीर है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष गुस्से में नजर आ रहे हैं। डरपोक लोग वहीं पे खड़े होकर स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी हैव कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, द जेएनयू हैज कॉल्ड द एसएचओ इवन, बट दे आर नॉट कमिंग टू एनी रेस्क्यू। हम यहाँ पे बैठ के तमाशा नहीं देख सकते हैं। आवर स्टूडेंट्स आर एट रिस्क। The appeal to all the students here is, we have no other option but to make the police accountable and walk to the Vasant Kunj Thane। आरोप है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए छात्र इकट्ठा हुए तो किसी ने उन पर पत्थर फेंके। आरोपों के निशाने पर आया एबीवी। ये मूवी स्क्रीनिंग पीसफुली चल रहा था। A lot of you were witness to it. Despite that, ABVP had the audacity to take up stones and bricks and throw it on students. Reports are coming, which will be concretely put up by JNUSU. 7 to 8 students ko already chot lag chuka hai। पूरे हंगामे की जड़ में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। जेएनयू प्रशासन ने कल ही फरमान जारी किया था कि कैंपस में सौहार्द बिगड़ना न पाए और इसी अंदेशे से डॉक्यूमेंट्री प्रसारण की इजाजत नहीं दी, लेकिन जेएनयू के छात्र अड़े रहे। रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का समय तय था। ठीक आधा घंटा पहले रात 8:30 बजे कैंपस में बिजली चली गई। काफी इंतजार के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो रात 10:15 बजे छात्रों ने मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दिया। अगर बिजली काटने की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कहा था कि हम नहीं चाहते स्क्रीनिंग हो, अगर कोई स्क्रीनिंग करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद छात्रों ने कहा, जेएनयूएसयू ने कहा कि हम स्क्रीनिंग करवाएंगे और वहां पर तकरीबन 100 से 150 छात्र मौजूद भी थे जो वो मूवी देखने जो डॉक्यूमेंट्री देखने पहुंचे थे। लेकिन उससे ठीक आधा घंटा पहले अगर बिजली काट दी गई तो कहीं ना कहीं प्लान तरीके से किया गया। बिजली काटने के बाद बच्चों ने फिर भी डॉक्यूमेंट्री देखी और डॉक्यूमेंट्री देखते बच्चों के ऊपर अगर पत्थर चलाए गए हैं तो वो कोई ना कोई अंदर मौजूद भी होंगे। बिजली कटने पर हंगामा अभी शुरू ही हुआ था कि किसी ने पत्थर फेंक दिया। ये तस्वीर देखिए, जमीन पर गिरा पत्थर। यहीं पर लेफ्ट के छात्रों को एबीवीपी से जुड़ा छात्र नजर आया तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो रात 12 बजे के बाद जेएनयू के छात्रों ने वसंत कुंज थाने तक मार्च भी किया। जब ये पत्थरबाजी हुई उसकी थोड़ी देर के बाद जो जेएनयू कैंपस है उसकी बिजली भी काट दी गई। इस घटना के बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और उनका एक बड़ा मार्च जेएनयू कैंपस से निकलकर यहां पर वसंत कुंज पुलिस थाने पर पहुंचा। यहां पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही। हम लोग ने कंप्लेंट जो 20-25 लोग उनके जो खिलाफ हमने दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने ये बोला है कि वो लोग थोड़ा पुलिस ने जब शिकायत ले ली तो छात्र कैंपस लौट गए। प्रदर्शनकारी छात्र आज जेएनयू प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपेंगे, यानी हंगामा आज भी जारी रहने के आसार हैं। अक्षय डोंगरे और अमरदीप के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जेएनयू से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए ये तो प्रत्याशित था कि जेएनयू में इस तरीके का बवाल होगा ही, क्योंकि फिल्म बैंड है, इसके बावजूद इसकी स्क्रीनिंग की गई और यहां तक कि कई छात्रों ने कहा था कि वो ये डॉक्यूमेंट्री देख कर ही रहेंगे। ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने चाहिए थे ताकि ये बवाल की स्थिति ना होती?
बिल्कुल दो चीजें बेहद चौंकाने वाली हैं यहाँ पर। एक तो जब छात्रों ने कहा था कि वो 9 बजे देखेंगे ही देखेंगे, तो उसके बाद कोई बातचीत की बात सामने नहीं आ रही है कि बातचीत हुई हो दोनों पक्षों के बीच में, जो छात्र स्क्रीनिंग करना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री की और जेएनयू प्रशासन की तरफ से। बल्कि रोकने के लिए उसको ठीक जब स्क्रीनिंग का टाइम था तो उसके आधे घंटे पहले बिजली काट दी गई। अब छात्रों का यह आरोप है कि उसके बाद जब उन्होंने मोबाइल पर उसको लिंक शेयर किया और उसको देख रहे थे तभी पत्थरबाजी हुई। इस मामले में अपडेट यह है नेहा कि पुलिस को कंप्लेन दी गई है लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस का यह कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब आप देखिए उसका असर क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन तो वहां पुलिस कर रही है, उसके बाद एफआईआर करेगी, लेकिन यहां पर अब गेट पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो भी लोग यहां पर एंट्री कर रहे हैं, चाहे देखिए ऑटो से आ रहे हो या कोई भी हो, हर किसी का पहले आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसे बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन कल जहां पर स्क्रीनिंग होनी थी वहां पर इस तरीके की सुरक्षा नहीं की गई, क्योंकि देखिए जो पत्थरबाजी की अगर घटना हुई है तो वो आसपास अंदर ही लोग मौजूद थे, तो वो कौन लोग थे अभी उन्हें आइडेंटिफाई किए जाना बाकी है।